हाई गाइस दिस इज मनु मिश्रा सो वेलकम यू ऑल इन दिसन एंड इस से आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इट्स नॉट एन अकेडमिकलीबल वन राइट इट्स 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 अ सेशन जो कि टाइम टेबल को लेकर डिस्कस करेगा uh, इन बातों पर डिस्कशन किया जाएगा कि इन लास्ट थर्टी डेज में हमें एम एच सी टी फाइव ईयर एल एल बी के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है हमारी अप्रोच क्या रखनी है जो कि जिससे हमारे एग्जामिनेशन जब हम देने जाएं तो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो और हम इन थर्टीन डेज को है ना इस थर्टी डेज को कैसे हम मोर प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हैं क्लियर चलो सो जस्ट वन सेकेंड जिससे हम या सो सी आई होप जो ये सेशन देख रहा होगा उसको एम एस सेट फाइव रेलवे के बारे में पता होगा सो आई जस्ट टेल यू स्टेल जस्ट गिव यू ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दिस एग्जामिनेशन सो ये एग्जामिनेशन जो होने वाला है दिस विल बी हैपनिंग इन मंथ ऑफ मे सो अभी आपको लग रहा होगा सर अभी तो 45 डेज बाकी हैं फोर्टी फाइव डेज सो 15 डेज हमें किसी भी कॉम्पिटिव एग्जामिनेशन के लिए ना रिजर्व करके रखने होते हैं लास्ट 10 टू 15 डेज वी हैव टू रिजर्व जस्ट फॉर द इमरजेंसी की कुछ नया हमें पढ़ना पड़ रहा है कुछ छूट गए उसके लिए एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज इट्स फॉर दी प्रैक्टिस एंड रिविजन तो लास्ट टेन टू फिफ्टीन डेज हमारे रिविजन पे ज्यादा टाइम जाएगा और प्रैक्टिस पे ज्यादा टाइम जाएगा हम नई चीज नहीं पढ़ सकते राइट right? सो so, अब इस एग्जामिनेशन की बात करते हैं ये एग्जामिनेशन में मेजरली जो बच्चा है वो दो कॉलेज के लिए कॉम्पिटिट करना चाहते हैं वन इज जे एल सी मुंबई एंड सेकेंड वन इज आई एल एस पुणे

We have, uh, आपका करंट अफेयरिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड एट लास्ट वी है ना? Mathematics. So, एक एक सब्जेक्ट को लेकर हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए एंड आई है अब देखो मैं हमेशा यही बोलता हूं एंड नॉट ओनली फॉर दिस एग्जामिनेशन इट्स एप्लीकेबल ऑन ऑल दिनेशन यू हैव टू मेक श्योर ऑफ दैट कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो होती है दैट इज सिलेबस यू हैव टू बी वे मोर फोकस्ड ऑन सिलेबस यू हैव टू नो कि भाई एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि सिलेबस ही ऐसी चीज है जो हमारे पढ़ाई को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है अगर मैं आपको बोलूं इंग्लिश आ रहा है तो इंग्लिश बहुत सारी चीज होती है इंग्लिश में लेकिन इंग्लिश में क्या चीज आने वाली है उस उसके लिए आपको सिलेबस बाय हार्ट लर्न होना चाहिए राइट right? नाउ Now the point is, कि सबसे पहले हम जो बात करेंगे जो कि ज्यादा इसका वेटेज भी है ज्यादा वेटेज के साथ साथ इसमें मेजोरिटी ऑफ पीपल थोड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं सिंपल से रीजन है CLAT, CLAT की भी करी होगी साथ में तो उनको आइडिया है कि लीगल को कैसे अप्रोच करना है अब देखो

गो फॉर इट प्रैक्टिस इट एंड अगर कोई बुक नहीं खरीदना चाहता सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ बट नाउ द क्वेश्चन मिलते ही नहीं है ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है सो देर इज नो देर इज नो प्रीवियस ईयर पेपर सो वॉट यू कैन डू एस यू कैन हैव द प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ क्लैट फ्रॉम ट्वेंटी इलेवन टिल ट्वेंटी नाइनटीन है टिल 2011 फ्रॉम 2011 टू 2019 आप यहां से प्रैक्टिस कर सकते हो इवन यू कैन आल्सो प्रैक्टिस ए आई टी के प्रीवियस पेपर फ्रॉम 2011 टिल 2019 क्योंकि इसके बाद भी पैटर्न चेंज हुआ है एलिट का भी सो so, आप इन दोनों पे स्टिक रहो कई बार आप नोटिस करोगे कि लीगल रीजनिंग में सिर्फ कैरेक्टर का नेम चेंज होता है एवरीथिंग इज सेम रीजनिंग इज सेम आंसर इज सेम सब कुछ सेम होता है

करोगे एक दिन बाद दो दिन बाद तीन दिन बाद भूल जाओगे या फिर क्योंकि क्लैरिटी पता होगी आप ऑप्शंस में एलिमिनेशन लगाना स्टार्ट कर दोगे आपको ऑप्शंस में ही सारे ऑप्शंस के आंसर पता होंगे है ना सो दैट्स व्हाट दी नंबर ऑफ टाइम रिविजन एंड इसके साथ साथ एक और चीज होती है कि अगर रोड रोनिंग करते हो ना तो रीजनिंग पता नहीं होती तो जब आप नंबर ऑफ टाइम रिवाइज करते हो नंबर ऑफ टाइम रीड करते हो नंबर ऑफ टाइम आप रिकॉल करते हो देन हैपन आपको वो रीजनिंग फिट बैठ जाती है कि ये चीज चीज इस समय पर क्यों हुई हुई और कैसे हुई? तो वही रीजनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है सो द लीगल प्रपोजिशन आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड लीगल लीगल मैक्सिम लैंडमार्क जजमेंट इनकी आप रिविजन करिए अब अगर आपके पास नोट्स नहीं है, है ना इफ यू आर लाइक भाई मैंने अभी पढ़ाई करना स्टार्ट ही नहीं किया मुझे पता ही नहीं है कहां से क्या कर रहा है

न स्टार्ट विथ डिसम्बर जेन फेब मार्च अप्रिल सो दीज फाइव मंथ यू है आप इनके करंटेयर को पढ़े अब अब लास्ट फाइव मंथ्स में ऑब्वियस बात है आपका बैकलॉग बन गया होगा जिन्हें कवर जो लोग रेगुलरली कवर कर रहे होंगे गुड फॉर देम। बट द पॉइंट स्टार्टेड द करंट अफेयर प्रिपरेशन सो जो निकल चुके हैं मंथ उनको लेकर क्या किया जाए सिंपल सा कंपाइलेशन उठाइए है ना आप गूगल पे जाओ फ्री में कंपाइलेशन मिलती है फ्री में स्टिक विथ वन कंपाइलेशन स्टिक विथ वन कंपाइलेशन कंपाइलेशन निकालिए मंथली कंपाइलेशन निकालिए और मंथली कंपाइलेशन में डिसेंब जैन फेब एंड मार्च दीज फोर मंथ्स दीज फोर मंथ्स यू हैव टू मेक श्योर ऑफ दैट कि आप इनकी कंपाइलेशन का प्रिंटआउट निकालो अपने पास इनके पास पीडीएफ होना चाहिए अब इस कंपाइलेशन में इस कंपाइलेशन कैसे पढ़ना है अब ये कंपाइलेशन आप देखोगे ना 200 हंड्रेड पेजेस टू पेजेस 300 हंड्रेड पेजेस नहीं करेक्ट सिलेबस पे जाओ सिलेबस पे क्या लिखा है करंट इवेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस सो नेशनल दिया होगा तो नेशनल के वन पढ़ने इंटरनेशनल के वन लाइनस पढ़ने और क्या पढ़ना है आपके स्टेट वाला स्टेट वाला जो सेक्शन आता है स्पोर्ट्स अवार्ड एंड ऑनर्स नथिंग इसके बियॉन्ड नहीं जाना बिजनेस न्यूज इकोनॉमिक न्यूज नहीं अगर वो होगी ना इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट होगी तो वो में वैसी हो जाएगी तो चीजों पे रही है। ऐसा नहीं कि टू फिफ्टी दैट है ना आपसे खुद सोचो एग्जामिनर कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता आप, thousand pages, thousand pages आप पढ़ के आओ जिससे आपका करंट अफेयर्स आ सके और वो थाउजेंड के सिर्फ आपके ट्वेंटी थर्टी क्वेश्चन थर्टी मार्क्स रहे हैं वो तो कभी एक्सपेक्ट नहीं करेगा आपसे क्लियर सो आपको इन्हीं चीजों पे स्टिक रहना है इन्हीं चीजों को नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज करना है है ना सो दिस इज हाउ यू हैव टू टेकल दी करंट अफेयर्स ठीक है बाकी आप जहां क्लासेस कर रहे हो उन क्लासेस में आपको कवर अप कराया जा रहा होगा या कराया जाएगा क्लियर ना स्टार्टिंग जीके की जब हम बात करते हैं स्टार्टिंग जीके जो कि इट 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 फील्स लाइक एन एलिफेंट इन अ रूम बट इट्स नॉट राइट इट्स समथिंग वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टास्क What you can do is, आपको देखो आइडिया है. है आपको इंडस वैली का आइडिया है बेसिकॉइंट वाला हिस्ट्रीन एटीन फिफ्टी सेवन में क्या हुआ सेवन में क्या हुआ क्रिप्स मिशन कब आया आई नो ये सारी चीजें चैलेंजिंग लगती है लेकिन आपको एक आइडिया है आपको पता है कि यार ये चीजें होती है, क्या है करेक्ट सो इसीलिए इसीलिए जस्ट डू वन थिंग आई रिकमेंड गो विद दी वन विदर्ट वीडियो है ना गो विदर्ट वीडियो वन वीडियो में एंशेंट देखो मिडिवल देखो मॉडर्न देखो और सिर्फ ध्यान से समझो और जहां पर तुम्हें तो लग रहा है फैक्ट लिखने की जरूरत है 1857 आपने फैक्ट लिखा तो 1857 की अगर कुछ लिखा है जैसे ईयर लिखना है कुछ इंपॉर्टेंट आपके लैंडमार्क्स uh, लिखने हैं कोई इंपॉर्टेंट लीडर्स लिखने हैं किसने क्या फॉर्म किया क्या फॉर्म नहीं किया वो सारी चीजें देखो जिसने ऑलरेडी कवर अप कर लिया जिसने ऑलरेडी अपना थ्योरी कवरअप किया है क्लासेस में, है ना? तो वो अपने नोट्स पे, नोट्स पे पे जिसने नहीं किया है ना? बुक उठाइए है, है ना उसमें आपको प्रीवियस पेपर जैसे क्लाट उठाओगे तो क्लाट में भी आपको देखने को मिलेगा प्रीवियस पेपर में स्टार्टिंग चीज था इलेट में आता था

वर्ड uh, चेंज कर दिए जाते हैं लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है दिस वन करेक्ट एंड सेम गोज वन तो जो क्लासेस कर रहे हैं वो अपने क्लासेस के नोट्स पे नोट्स पे रिलाई करें उन पे बिलीव करें गो विद दिस बाकी जिसने कवर अप नहीं किया वन शॉट वीडियो देखिए कहीं पर भी रैंडमली यूपीएससी के चैनल्स हैं बहुत सारे चैनल्स हैं वन शॉट वीडियो देखिए वन शॉट वीडियो ज्यादा बड़े भी नहीं होते मतलब अगर देख दो घंटे में अगर मेरी मॉडर्नस्टीज कवर अप हो रही है जिसमें कम से कम दस या बारह क्लासेस लगी हैं उस दो घंटे मेरी मॉनेस्टी कंप्लीट हो रही है उससे बेहतर कोई चीज नहीं है करेक्ट ये चीज है ना अब वही चीज आप कवर करते हुए आप कि आप तो आपके पास टाइम भी कम है तो ये चीज नोट्स बनाओ नोट्स बनाने से बार बार आपको ना बार बार यू कैन नॉट यू कैन नॉट बेसिकली वीडियो देखते हुए चले जाओगे वीडियो देखोगे तो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा तो नोट्स बनाइए नंबर ऑफ टाइम रिवाइज कर सकते हो सेम गोज इकोनॉमी सेम गोज विद एनवायरमेंटल इश्यू जनरल साइंस एंड बुक्स एंड ऑथर्स देखो जो क्लासेस में कर रहे हैं वो डोंट गो विद वन शॉट स्टिक योर योर स्टिक क्लासेस जो क्लासेज में कवर कर रहे कहीं से भी आप कर रहे हो वहां से आप स्टिक रहिए जो नहीं कवर कर पा रहा गो विद वन शॉट और फिर प्रैक्टिस क्लियर क्लियरली बता रहा हूं एमएच सेट को लेकर सीयूटी यूजी को लेकर फ्री मटेरियल मिलता है गूगल पे जाओ सब कुछ मिलेगा मॉक्स नहीं मिलते हैं बस क्लासेस नहीं मिलती हैं जो इन डेप्थ क्लासेस होती हैं लेकिन यू विल गेट प्रैक्टिस क्वेश्चन सेक्शनल बुक्स एवरीथिंग टू बाय एनीथिंग करेक्ट नाउ नेक्स्ट वन द लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग मैं हमेशा से यही बोलता हूं अगर आपको एम निकालना है तो दो सेक्शन है से जिनपे मेजर फोकस करना है क्या लॉजिकल एंड एनाडिकल रीजनिंग सेकेंड इज मैथ्स राइट right? सेट right? में अगर तुम्हें अच्छा कॉलेज चाहिए देन यू हैव टू स्कोर 130 थर्टी प्लस वन प्लस स्कोर चाहिए बिकॉज अगर आप नॉन मराठी हो एंड आई नो मेजोरिटी पीपल आर नॉन मराठी उनको सबसे बड़ा चैलेंज आएगा सबसे बड़ा चैलेंज आएगा क्योंकि बहुत रिजर्वेशन है आपके एम एस सेट में सो यू हैव टू स्कोर वन थर्टी प्लस क्लियर तो यू कैन नॉट यू कैन नॉट स्किप पूरा का पूरा एक सेक्शन यू कैन नॉट इवन स्किप मैथ के टू टू फोर क्वेश्चन नहीं यू कांट टेन क्वेश्चन कुछ भी हो जाए क्लियर अब यहां पर मेजोरिटी ऑफ टाइम जो आपका जाना चाहिए वो जाना चाहिए एनालिटिकल रीजनिंग में यहां पर पजल्स हो गए पजल्स यू हैव टू प्रैक्टिस है ना बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं बहुत मजेदार होते हैं करने में बहुत मजा आता है बट ये हमें उस स्पेसिफाइड टाइम में करना वो चैलेंजिंग पार्ट है और वही हमारे स्कोर को बूस्टअप करेगा कि कैसे हम फोर मिनट और फाइव मिनट्स के अंदर एक पूरे पजल को सॉल्व करें फिर देखो पजल्स के अलावा आती हैं ब्लड रिलेशन सीरीज कंप्लीशन कोडिंग डिकोडिंग डायरेक्शन सेंस डायरेक्शन लॉजिकल गेम्स एनालिटिकल रीजनिंग स्टिक विद दिस स्टिक विद दिस आपका सिलेबस और आपको रेंडमली कुछ नहीं लगाना है सिर्फ यही चीज लगानी है यही चीज और क्रिटिकल रीजनिंग और वर्बल नॉन वर्बल के लिए सिंपल सा अगर आपने क्लैट के लिए क्रिटिकल रीजनिंग कवर अप करी है आई कैन गारंटी ये करना आपके लिए कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है जस्ट हैव टू गो विद प्रैक्टिस स्टेटमेंट स्टेटमेंट रीजन ये सब प्रैक्टिस का काम है है ना सो so अगेन यहां पर भी आप क्लार्ट के प्रीवियस पेपर उठाइए गूगल पे सर्च करिए आपको पीडीएफ मिल जाएगी इजीली आप उसको कर सकते हो डोंट बाय एनी बुक क्लियर नेक्स्ट वन इंग्लिश नाउ दिस इज समथिंग देखो तीन चीजें डिफर करती हैं आई टोटली अग्री तीन चीजें डिफर करती हैं क्लैट एल की प्रिपरेशन और एमएसएड की प्रिपरेशन में ओल uh, की प्रिपरेशन बेसिकली दैट इज व्हाट दैट इज एआर आता है एनालिटिकल रीजनिंग आता है सेकंड आपका आपका स्टैटिक जीके आता है थर्ड दैट इज इंग्लिश इंग्लिश में आप देखोगे यहां पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अलावा आपसे ग्रामर भी पूछी जाती है आपसे वोकैबलरी पूछी जाती है प्रोफिशंसी भी पूछी जाती है इंग्लिश यूजेस एरर पूछे जाते हैं है ना और कॉम्प्रीएंशन तो है ही नाउ इन तीन चीजों को अगर ढंग से करना है इन तीन चीजों को अगर तुम्हें स्कोर बूस्ट अप करना है आंख बंद करो सिंपल सा प्रीवियस ईयर पेपर पे, पे रिलाई करो एमएसएट का नहीं मिलता क्लैट का मिलता है क्लैट पे रिलाई करो प्रैक्टिस करो वहां से कोई कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आ रहा है

लेकिन आप खुद सोचो अगर हमें इस सेक्शन में फिफ्टी परसेंट भी स्कोर करता हूं फोर्टी परसेंट भी स्कोर करता हूं इस सेक्शन में तो वो मेरे लिए एडवांटेज ही हुआ है ना सो so ये सारी अब ठीक है हो सकता है कुछ टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आते हो बाकी टॉपिक्स आते हैं यू कैन गो विथ परसेंटेज प्रॉफिट लॉस सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इनसे भी क्वेश्चन आएंगे इनके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं सो मैथ से डरना नहीं है है ना मैथ्स में इन्वॉल्व होना है घुलना है और सबसे बेस्ट टाइम टेबल फॉर थर्टी डेज ये आप खुद डिसाइड करोगे ये आप खुद खुद आप आप बना पाओगे क्योंकि यू नो कि आप कितना टाइम दे रहे हो है ना मैं हर पर्सन के लिए परफेक्ट टाइम टेबल बना के नहीं दे सकता हर पर्सन की अपनी लाइफ होती है कोई छह बजे उठता है कोई बारह बजे उठता है ठीक है कोई रात में ग्यारह बजे सो जाता है कोई रात में तीन बजे सो जाता है करेक्ट सो यू हैव टू मेक योर ओन ओन टाइम टेबल विथ योर ओन कंफर्ट जोन बट वॉट आई कैन टेल यू वॉट आई कैन टेल यू दैट वॉट यू हैव टू डू एस दैट इज मेकोर करिए आपका एवरी जितना भी छोड़कर छोड़ आपकी जितनी भी थ्योरी है एवरी थिंग इट शुड बी कवर्ड बाई ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ अप्रैल April ऑफ अप्रैल तक आपकी थ्योरी पूरी जो है वो थ्योरी कंप्लीट हो जाना चाहिए इसका मतलब ये नहीं है इसका मतलब ये नहीं है क्या आप प्रैक्टिस नहीं करोगे इसमें आपने अगर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा लेट्स लेट एग्जाम्पल आपने परसेंटेज पढ़ा तो परसेंटेज के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हुए चलोगे ठीक है लेकिन 25 तक एक्सक्लूडिंग करंट अफेयर्स यू हैव टू कवर आपको हर चीज कवर करनी है एंड आफ्टर ट्वेंटी फिफ्थ टिल एग्जाम टिल एग्जाम जो कि सेवनटीन को है है ना हमारे पास सम वॉट अराउंड ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री डेज रिमेनिंग है उसमें प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड रिविजन एंड रिविजन इन पिस्टिक करने क्लियर एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज यू हैव टू फोकस मोर ऑन प्रैक्टिस एंड रिविजन क्लियर रिविजन ऑफ कनेड अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके एंड स्टार्ट जीके रिविजन एंड उसके साथ साथ आपके लीगल के कॉन्सेप्ट इंग्लिश के कॉन्सेप्ट वो कैबुलरी एवरीथिंग आई उसके साथ साथ आपका क्रिटिकल रीजनिंग क्रिटिकल रीजनिंग एंड टॉक अबाउट प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस लीगल तो प्रैक्ट इवन यहां पर भी प्रैक्टिस लीगल रीजनिंग स्पेसिफिकली है ना यहां पर आप एप्टीट्यूड लिख सकते हो एप्टीट्यूड यहां पर लीगल रीजनिंग एंड इसके साथ प्रैक्टिस आपकी क्यूटी जिसको मैथ्स बोलते हैं नेक्स्ट वन दैट इज आपका इंग्लिश के आरसी इंग्लिश तो में भी आता है एवरीथिंग देन उसके साथ साथ द द मोस्ट मोस्ट इज ये सबसे चैलेंजिंग है इसी को हमें ओवरकम करना है ए आर को हमें ओवरकम करना है क्लियर तो ये दो चीजें अपने दिमाग में रखिए प्रैक्टिस रिविजन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज सेकेंड वन द थर्ड वन जो कि सबसे सुप्रीम होता है दैट इज कंसिस्टेंसी है ना कंसिस्टेंसी तो कंसिस्टेंसी अगर आपकी मेंटेन्ड है कंसिस्टेंसी अगर आपकी मेंटेन्ड है उसको कोई डिफीट नहीं कर सकता फिर आपको कोई डिफीट नहीं कर सकता यू कैन ओवरकम एनी वन एनी चैलेंज एनी एग्जामिनेशन आई कैन मेक श्योर ऑफ दैट ठीक है सो दैट्स ऑल गाइस दैट्स ऑल फॉर टूडेट्स ऑल फॉर द्रेटेजी है ना मैंने स्पेसियली पहले ही बोला था इट वी एन इफ यू हैव एनी डाउट एनी थिंग एनी थिंग रिलेटेड टू योर प्रिपेरेशन एनी थिंग

है ना वो करो उसके साथ साथ उसके साथ साथ क्लासेस ट्रेंड करो तो मैं लग रहा है कि मुझे अगर सात दिन के अंदर मुझे कोई टॉपिक कवर करना है या सब्जेक्ट कवर करना है वो कैबलरी क्रिटिकल रीजनिंग ए आर क्यू टी जाके देखिए कंप्लीट करिए सबसे बेस्ट तरीका है ना तो फ्री फॉर ऑल क्लियर तो दिस वन नाउ नाउ दैट्स ऑल क्लियर बाकी अपन मिलते रहते हैं मिलते रहेंगे तब तक लिए बाय बाय हैव फन एंड एंजॉय करिए बाय 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 बाय